नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन असिस्टेंट में मैं राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि राशन कार्ड में लिंक आधार कार्ड पे लॉकडाउन में 1,000 रुपये की सुविधा राशि भेजी जाएगी। तो दोस्तों, आपके राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर आपके आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट लिंक है, इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप अपने आधार कार्ड में बैंक को लिंक करवाएं, ताकि DBT के माध्यम से सरकार जो प्रणाली अपनाती है उसमें आपके राशन कार्ड में लिंक आधार कार्ड पे पैसा भेजा जाता है, जिस आधार कार्ड में आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है। तो दोस्तों, सरकार ने आपको ये घोषणा करी थी कि आपके राशन कार्ड में लिंक आधार कार्ड पे 1,000 रुपये का प्रति परिवार लाभ भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है। अगर दोस्तों नहीं है, तो बहुत सारे बैंकों ने अभी ये सुविधा शुरू कर दी है कि आप घर बैठे ही आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कई पेमेंट्स बैंक आ गए हैं। अगर उस पेमेंट्स बैंक में आप खाता खुलवा लेते हैं, तो आपका आधार अपने आप ही आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो जाएगा और DBT के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, इसका स्टेटस कैसे चेक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधार कार्ड को राशन कार्ड में लिंक है या नहीं है जानने के लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएं, चाहे तो आप इसे मोबाइल में या फिर सिस्टम में किसी में भी ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल में। उसके बाद दोस्तों, आपने आ जाना है बिहार सरकार के ईपॉस वेबसाइट पे। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये बिहार सरकार का वेबसाइट है जिस पे राशन कार्ड के को आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने जाना है RC डिटेल ऑप्शन पे, और यहाँ पे दोस्तों आपने सिंपली अपना RC नंबर, राशन कार्ड नंबर सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, राशन कार्ड डालने के बाद उस राशन कार्ड का डिटेल हमारे सामने आ गया है। इसमें कितने मेंबर्स हैं वो भी है, जेंडर्स है, उसके बाद एज भी है, और उसके बाद दोस्तों स्टेटस है, और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है UID स्टेटस, ये सीडेड है। इसका मतलब है दोस्तों, इन सभी फैमिली मेंबर्स के नामों के नाम में आधार कार्ड लिंक्ड है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप एंटाइलमेंट फॉर RC देख सकते हैं कि इस राशन कार्ड पे जो है लास्ट आपने कितना अनाज लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेहूँ जो है वो 16 किलो और चावल जो है 24 किलो, कुल 40 किलो का अनाज आपको अप्रैल माह में मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम यानी कि डीलर का नाम भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहता है और आधार यहां लिंक रहता है। इस स्थिति में दोस्तों आपको लाभ नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए सरकार को फिर से अलग से दूसरी प्रणाली अपनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार जो है लिंक है या नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि आपके आधार जो है इसमें एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे एक्टिव आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर इनएक्टिव आए तो दोस्तों आप इसे अपने नज़दीकी ब्लॉक में या फिर अपने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से मिलकर ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, सो कैसे चेक करें। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।